بسم الله الرحمن الرحيم Students, we are studying chapter 9 general science 10th class this chapter is about basic electronics two lectures we have discussed in which we discussed various things about semiconductors their uses about radio tv about satellite it was discussed computer and its different parts input output devices cpu and information storage devices were also discussed today students we are to start third lecture on this chapter that is about software what is software software bete instructions hoti hain जो हम कंप्यूटर को देते हैं उससे कोई भी काम हमने कंप्यूटर के जरिए कोई भी काम करना हो तो हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं कंप्यूटर को तो ये इलेक्ट्रॉनिक मेथड के जरिए इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं तो ये बेटर कहलाता है सॉफ्टवेयर मतलब है कि कंप्यूटर ने कोई भी जो काम करना है कोई भी प्रॉब्लम है जो कि कंप्यूटर के जरिए आपने सॉल्व करना है तो ये पॉसिबल नहीं है उस वक्त तक जब तक आप कंप्यूटर को ऐसी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस ना दें जो कि कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबल हो मीन के कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर मशीन लैंग्वेज के अंदर हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे तो तभी वो कोई भी प्रॉब्लम जो है तो उसको सॉल्व कर सकेगा अब डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस जो है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए रिक्वायर्ड होती हैं मुख्तलिफ काम जो हमने कंप्यूटर पे करने होते हैं तो उसके लिए डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस जो है वो दी जाती हैं कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते कैसे हैं बेटे याद रखें कि ये इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को जो दी जाती हैं ये डिफरेंट डिवाइसेस के जरिए दी जाती हैं सॉफ्टवेयर हैं एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मैग्नेटिक टेप के जरिए सीडी के जरिए फ्लॉपी डिस्क वगैरह कोई भी आप इनपुट डिवाइस ऐसा जो है जिसके अंदर ये सॉफ्टवेयर होगा तो आप वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे और उसके बाद ये जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी ये आप कंप्यूटर को जो है वो दे सकते हैं तो ये अगर डिफाइन किया सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर फॉर सम टास्क कि किसी भी टास्क के लिए कंप्यूटर से कोई भी काम करवाने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेथड के जरिए ये सॉफ्टवेयर होता है अब इसमें क्या क्या चीजें हैं इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर लैंग्वेज है और प्रोग्राम्स ये तीन चीजें होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर लैंग्वेज और प्रोग्राम्स प्रोग्राम प्रोग्राम इट इज लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है फॉर पर्टिकुलर टास्क और इन इंस्ट्रक्शंस के तहत क्या होता है अंडर दीज इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करता है और उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है यही जो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो हमने कंप्यूटर को देनी है यानी जो प्रोग्राम है हमारा तो इन इंस्ट्रक्शंस को प्रिपेयर करना जो है ये कहलाता है प्रोग्रामिंग या इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ठीक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं या इसको प्रोग्रामिंग कहते हैं प्रोग्राम डेवलप करना प्रोग्राम बनाना इंस्ट्रक्शंस तैयार करना ये प्रोसेस प्रोग्रामिंग कहलाता है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और पर्सन जो कि ये प्रोग्राम लिखता है वो बेटे प्रोग्रामर कहलाता है प्रोग्रामर वो बंदा होगा जो ये इंस्ट्रक्शंस लिखेगा जो प्रोग्राम लिखेगा अब हर बंदा तो प्रोग्रामर नहीं होता हर बंदा प्रोग्राम नहीं लिखता तो मार्केट में बने बनाए प्रोग्राम्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं और मोस्टली लोग जो हैं वो यही बने बनाए प्रोग्राम ही यूज करते हैं ना कि हर बंदा अपनी जरूरत का प्रोग्राम खुद लिखता है ना ही हर एक के लिए पॉसिबल है सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही ये काम कर सकता है इसलिए बने बनाए प्रोग्राम जो हैं वो मार्केट से परचेज कर लिए जाते हैं कुछ टास्क आगे दिए गए हैं जो डिफरेंट प्रोग्रामर्स करते हैं
नंबर वन वर्ड प्रोसेसिंग। कंप्यूटर को अगर हम यूज करते हैं कुछ भी मैटर लिखने के लिए, डाटा हमने लिखा है, टाइप किया है, एडिट करना होता है उसमें, कोई तरमीम करना, उसमें कुछ आप डिलीट करते हैं, कुछ और लिखते हैं, ठीक है, उसके स्टाइल्स को चेंज करते हैं, ये सर एडिटिंग में आता है। स्टोरिंग, उसको स्टोर करना कंप्यूटर के अंदर किसी भी स्टोरेज डिवाइस पे स्टोर करना। फिर प्रिंटिंग, ना प्रिंटर को यूज करते हैं और ऑड फॉर्म में प्रिंट ले लेते हैं, तो ये बड़े सारा कुछ जो है इकट्ठा, इसको हम वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। ये शुरू से यहां तक है वर्ड प्रोसेसिंग की, ये डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी मिलेगी आपको। इन वर्ड प्रोसेसिंग बताया कि मेजर टास्क जो है ये क्या होता है, कीबोर्ड के जरिए मैटर को टाइप करना। कीबोर्ड के जरिए मैटर को, कौन सा मैटर, जो भी लिखने का मैटर है, आपने जो चीजें भी लिखनी है उसको टाइप करना, ये मेजर टास्क होता है। एक दफा जब डाटा टाइप हो जाए उसके बाद उसको डिफरेंट स्टाइल्स देना, उसके उसको डिफरेंट कलर्स देना, वो बहुत आसान होता है। लिखने वाला काम जो है यही मुश्किल होता है, इसी के ऊपर ही टाइम लगता है, बाद में प्रोसेसिंग जो है वो उसके ऊपर टाइम नहीं लगता है। वर्ड प्रोसेसिंग बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे प्रिंटिंग के अंदर और पब्लिशिंग बुक्स जो है, प्रोसेस बुक्स को जो पब्लिश करना है, किताबें शाया करना है, आपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपनी मर्जी की चीजें लिख सकते हैं, उन अपनी मर्जी के स्टाइल दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं, तो ये प्रोसेस वर्ड प्रोसेसिंग ही है जिसके जरिए ये सब कुछ होता है। ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर बताया कि प्रवीण ये भी होती है, प्रवीण की ये भी फैसिलिटी होती है कि आप स्पेलिंग्स को करेक्ट कर सकते हैं, फॉर करेक्टिंग स्पेलिंग एंड ग्रामेटिक मिस्टेक्स भी होती हैं। कोई अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, ग्रामर की गलतियां हैं, तो या स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो इसमें स्पेल चेक की ऑप्शन होती है। ग्रामर की कोई मिस्टेक है तो ऑटो करेक्शन की उसमें ऑप्शन होती है, ऑटोमेटिकली करेक्शन जो है वो अवेलेबल होती है, सहूलत है। It was word processing. Now, next function is graphics. Graphics क्या बोलते हैं कि कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो कि यूजर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो लाइन्स ड्रा कर सकता है, स्ट्रेट लाइन्स हों, कर्व लाइन्स हों, तो वो ये लाइन्स जो है वो ड्रा कर सकता है उसके स्क्रीन के ऊपर, पेज के ऊपर। तो ये प्रोग्राम्स जो हैं, ये यूज कहाँ पे होते हैं, डायग्राम्स ड्रा करने के लिए, और जब पिक्चर्स आपने जो बनानी होती हैं, तो किसी भी पेज के ऊपर आप पिक्चर बनाना चाहते हैं तो उसके ऊपर, उसके लिए ये प्रोग्राम यूज होते हैं ग्राफिक्स के। कलर्स और शेड्स जो हैं, ये भी आप फिल कर सकते हैं पिक्चर्स के अंदर। तो फिर ग्राफिक्स क्या हुआ, ड्राइंग लाइंस, मेकिंग पिक्चर्स एंड डिजाइंस बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर के जरिए अगर आप लाइंस ड्रॉ करते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, कोई डिजाइन बनाते हैं, तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, ग्राफिक्स कहलाता है। थर्ड टास्क का प्रोग्रामर, इट इज देयर डाटा मैनेजमेंट। डाटा मैनेजमेंट क्या है, टू स्टोर डाटा इन डिफरेंट फाइल्स, मुख्तलिफ फाइल्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर करना, फिर उसको रीअरेंज करना टू गेट रिक्वेस्टेड रिजल्ट्स, अपने मतलूबा रिजल्ट्स के लिए उसको रीअरेंज करते हैं, आप फाइल्स को कंबाइन करते हैं, फाइल्स के जो है वो एडिट करते हैं, उनके अंदर डिफरेंट किस्म के चेंजेस करते हैं, तो ये ताकि आप जैसा रिजल्ट चाहते हैं वैसा ले सकें। तो ये प्रोसेस बेटे डाटा मैनेजमेंट होता है, जब आपने फाइल्स में डाटा स्टोर किया हुआ है तो जब आप जी चाहे उसको जो है एडिट कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, तालीमी इदारे, बैंक्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ऑफिसेस हैं, बिग कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, उसमें अमेंडमेंट्स करते हैं और डिफरेंट रिकॉर्ड्स जो हैं वो तैयार करते हैं और अपने सिस्टम्स जो हैं उनको चलाते हैं, कैसे, डाटा मैनेजमेंट्स के जरिए। डाटा मैनेजमेंट्स के जरिए बेटा आपने देखा कि ये सारे काम क्या है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
ऑफिसेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लाइब्रेरीज हों, बैंक्स हों, तालीमी इदारे हों, तो ये अपने सारे जो इनके सिस्टम्स हैं वो डाटा मैनेजमेंट के जरिए चलाते हैं। नेक्स्ट बेटे है एनालॉग एंड डिजिटल कन्वर्टर्स। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स के बारे में थोड़ी सी बात होगी पहले। डिफरेंट क्वांटिटीज जो हैं, उनके बारे में आप पहले से भी कुछ जानते हैं कि वो एनालॉग और डिजिटल दो किस्म की क्वांटिटीज होती हैं। तो बेटे ऐसी क्वांटिटीज जो कि कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज या डिक्रीज हों, इनको हम एनालॉग क्वांटिटीज कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है, डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, टेम्परेचर, ये एग्जाम्पल्स हैं एनालॉग क्वांटिटीज की। जब आप टाइम नोट कर रहे होते हैं आर्म्स वाले हैंडल्स वाली वॉच के ऊपर, ये बेटे जैसे सामने दी हुई है, ये डायल वाली वॉच जिसके ऊपर ये हैंडल्स होते हैं, सुइयां होती हैं मिनट्स की, सेकंड की, आवर्स की, तो इसमें कोई भी टाइम वैल्यू हो सकती है, जीरो से लेकर 12 आवर्स तक कोई भी वैल्यू आप नोट कर सकते हैं। अब चूंकि ये आर्म्स कॉन्टिन्यूसली डायल के ऊपर मूव करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, तो टाइम जो है वो कॉन्टिन्यूसली एडवांस होता है, यानी कॉन्टिन्यूसली टाइम जो है वो चलता रहता है, लिहाजा टाइम क्या हुआ एनालॉग क्वांटिटी। और वॉच विद आर्म्स जो है ये एनालॉग वॉच कहलाएगी, ठीक है, ये वॉच क्या कहलाएगी, एनालॉग वॉच। इन कंपैरिजन टू डिजिटल क्वांटिटीज, इन कंपैरिजन टू दीज एनालॉग क्वांटिटीज, नाउ व्हाट आर डिजिटल क्वांटिटीज। बेटे जो डिजिटल क्वांटिटीज हैं ये कॉन्टिन्यूस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल टाइम ऑन अ डिजिटल वॉच जो है डज नॉट एडवांस कॉन्टिन्यूसली, बट डिस्प्ले चेंजेस वंस इन वन सेकंड, ठीक है, एक सेकंड में सिर्फ एक डिजिट ही डिस्प्ले होता है, इसमें कोई कॉन्टिन्यूस वेरिएशन नहीं होती। लेट्स नाउ टेक अप एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स के बारे में बात होगी। यू हैव स्टडीड बताया कि अल्टरनेटिंग करंट आपने पढ़ा है, ग्राफ ऑफ वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ, ये पीछे जो है ये डायग्राम में यही आगे आपको दिया हुआ, ये देखें ये चीजें। तो बेटे ये एनालॉग सिग्नल जो है उसकी शेप आपको दिखाई गई है, टाइम के जो है विद पैसेज ऑफ टाइम वोल्टेज में चेंज हो गई है, कि वोल्टेज में कैसे चेंज आती है, कॉन्टिन्यूस वेरिएशन आ रही है, ये आपको यहाँ पे बताया गया था। वोल्टेज का ग्राफ जो है वोल्टेज वर्सेस टाइम, कि टाइम के साथ साथ वोल्टेज कैसे चेंज होती है, वोल्टेज के पोटेंशियल डिफरेंस जो आप पहले पढ़ चुके हैं। ग्राफ दैट शोज वोल्टेज वेरीज कॉन्टिन्यूसली बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, ये देखें बेटे ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और ये यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है, तो इस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के दरमियान ग्राफ जो कि वेरी कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एनालॉग एनालॉग क्वांटिटी। ये आपको सिग्नल जहां पे जो वोल्टेज का दिखाया गया यहाँ पे याद रखें, ये इसके एक्सट्रीम होते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम पीक वैल्यू उसकी होती है, ये इसकी ये वाली जो दूसरी साइड ये लोअर पीक कहलाती है, यहाँ पे ये जीरो होती है वोल्टेज। अलग सिग्नल जो है इसमें ये टू पीक्स होती हैं, ये अपर है ये लोअर है, उसके बाद ये यहाँ पे जीरो होती है वोल्टेज, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है जैसे करंट की, ये कैसे है, तो वोल्टेज भी जो है बेटे पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, तो ये पॉजिटिव पीक होगी और ये नेगेटिव पीक होगी वोल्टेज की, और ये दरमियान में वोल्टेज क्या होगी, जीरो होगी, इस लाइन पूरी लाइन के ऊपर वोल्टेज जीरो रहेगी, ये पॉजिटिव पीक होगी ऊपर, ये नेगेटिव पीक होगी। तो बताया कि जब कोई पर्सन बोलता है माइक्रोफोन में बोलता है, तो ये अल्टरनेटिंग करंट जो है सर्किट के अंदर प्रोड्यूस होता है, जो भी वो साउंड से कोरिस्पॉन्डिंग ही होगा, जो करंट प्रोड्यूस होगा जैसे साउंड होगी वैसे ही करंट जो है वो वेरी करेगा, तो इसको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहते हैं, साउंड का इलेक्ट्रिकल सिग्नल। फिर बेटा देखें कि जैसे साउंड में वेरिएशन आ रही है, तो अकॉर्डिंगली अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी वेरिंग फॉर्म में करंट प्रोड्यूस हो रहा है,
ये साउंड का इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहलाएगा। इसकी एग्जांपल ये आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपको शो किया गया है, ये साउंड का इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। अब चूंकि वोल्टेज जो है वो कॉन्टिन्यूसली वेरी करती है अकॉर्डिंग टू साउंड, जैसे साउंड में वेरिएशन है कि जब हम बोल रहे होते हैं, बोलने लगते हैं आवाज बुलंद होती है, फिर रुकने बीच में आवाज कम हो जाती है, तो ये जो वोल्टेज का सिग्नल है ये भी अकॉर्डिंगली वेरी करेगा। देयरफॉर बताया कि दिस सिग्नल इज एनालॉग सिग्नल, ये जो वोल्टेज का सिग्नल है ये एनालॉग सिग्नल कहलाएगा क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूस वेरिएशन है। बताया कि अगर ये सिग्नल आप एम्पलीफायर को फीड करते हैं, ये देखिए ये एम्पलीफायर है, सो इफ सिग्नल इज फेड टू दिस एम्पलीफायर, अगर ये सिग्नल एम्पलीफायर को दे देंगे तो एम्पलीफायर क्या करता है, इसको एम्पलीफायर इसको जो है वो सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा, इसको इसको स्ट्रेंथ दे देगा, इसको ज्यादा पावर दे देगा। और आफ्टर एम्पलीफिकेशन देखें कि सिग्नल की शेप में आपको देखे फर्क नजर आ रहा है, यहाँ पे शेप और ये जो शेप है इसमें फर्क नजर आ रहा है, आपको वाजे पता चल रहा है कि सिग्नल में किस किस कदर स्ट्रेंथ होगी, लाउड हो गया, आवाज बुलंद हो जाएगी। उसके बाद स्पीकर होता है, ये वाला स्पीकर है। अब ये एम्पलीफाइड सिग्नल स्पीकर को फीड किया जाता है और स्पीकर इस साउंड सिग्नल को जो कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल था उसको साउंड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये बेटे प्रोसेस था साउंड, इधर देखें माइक्रोफोन के जरिए उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया था और ये वोल्टेज सिग्नल जो है एम्पलीफायर के जरिए इसको एम्पलीफाई किया था, फिर आगे दूसरी साइड पे स्पीकर को फीड किया गया था, स्पीकर ने इसको दोबारा साउंड में कन्वर्ट कर दिया। तो एनालॉग सिग्नल क्या है, कॉन्टिन्यूसली वेरिंग वोल्टेज जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट बेटे थोड़ा सा डिजिट्स के बारे में, ये डिजिटल सिग्नल्स के बारे में बात होगी। कि लास्ट फ्यू डिकेड्स में, डिकेड किसको कहते हैं, 10 साल को, अशरा जो है इसको कहते हैं, यानी 10 साल का जो पीरियड है इसको डिकेड कहा जाता है। तो फ्यू डिकेड्स, लास्ट फ्यू डिकेड्स में बताया कि साइंटिस्ट और इंजीनियर्स जो हैं उन्होंने कुछ ऐसे सर्किट्स डिवाइस किए हैं, ऐसे सर्किट बनाए हैं जो कि इंफॉर्मेशन को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो एनालॉग सिग्नल्स आपने पीछे पढ़े, तो सर्किट्स कुछ ऐसे बनाए गए हैं जो इन एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं ये कॉन्टिन्यूस नहीं होते, जैसा वोल्टेज सिग्नल आपने देखा कि उसकी कॉन्टिन्यूस वेरिएशन थी, मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान कोई भी वैल्यू अटेंड कर सकता था, जबकि बेटे जो डिजिटल सिग्नल्स हैं इनकी कॉन्टिन्यूस वैल्यूज नहीं होती। इसमें सिर्फ दो किस्म की इलेक्ट्रिकल पल्सेस होती हैं, एक जो है वो हाई वोल्टेज की पल्स होती है और दूसरी लो वोल्टेज की पल्स होती है। जो हाई वोल्टेज की पल्स है उसको ऑन या उसको वन से रिप्रेजेंट किया जाता है और दूसरी लो वोल्टेज की पल्स है उसको ऑफ या उसको जीरो के साथ जो है वो शो किया जाएगा। यानी हाई वोल्टेज पल्स को हम कहेंगे वन और लो वोल्टेज पल्स को हम कहेंगे जीरो, या फिर हम हाई वोल्टेज की पल्स को कहते हैं ऑन और लो वोल्टेज की पल्स को कहते हैं ऑफ, दोनों सोते हैं। तो वन और जीरो की फॉर्म में ये पल्सेस जो है वो जनरेट होती है। अब ये चूंकि डिजिट्स हैं वन और जीरो, तो ये सिग्नल डिजिटल सिग्नल्स कहलाते हैं। लिखा कि डिजिटल सिग्नल जो हैं, इनमें डिस्क्रीट ऑन एंड ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस जो हैं वो होती हैं। तो डिजिटल सिग्नल्स का बताया बेटा कि ये बेस करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर, जिसमें कि बेस जो काउंटिंग की होती है वो टू यूज होती है। मैथ के अंदर आप लोअर क्लासेस में भी बाइनरी सिस्टम का यूज जो है वो पढ़ चुके हैं। ये मसलन एक नंबर उन्होंने शो किया 5637 5637 ऑन द बेस ऑफ 10। आम जो सिस्टम होता है बेटे वो डेसिमल सिस्टम होता है, 10 की बेस का वो सिस्टम होता है। अगर हम इसको 10 की बेस के सिस्टम में लिखना चाहें एक्सपेंड करके, हम यू लिखेंगे ये 5 इधर से राइट साइड से इसकी नंबरिंग की जाती है, राइट साइड पहले डिजिट उसकी पावर जीरो होती है। 7 के ऊपर 0 रखें, 3 के ऊपर 1 आ जाएगा, 6 के ऊपर 2 होगा, 5 के ऊपर 3 होगा, तो वो पावर आगे 10 की पावर कर देनी है जो उसके ऊपर नंबर आता है। ये देखें बेटे 5 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 कर दिया जो 5 के ऊपर नंबर आया था। उसके बाद प्लस हमने करना है दूसरा डिजिट 6 मल्टीप्लाई 10 पावर जो 6 के ऊपर डिजिट था वो 2 आया था, तो इसी तरह प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 1, फिर प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 पावर 0,
तो किसी भी नंबर की ये वेरिएबल की पावर जब जीरो होती है तो बेटे उसका आंसर वन होता है, लिहाजा यहाँ पे क्या होगा 10^0 का आंसर वन, वन मल्टीप्लाई सेवन ये सेवन हो जाएगा, यहाँ पे देखें 5 × 10³ ये 5000 हो गया है, और इधर जो है 6 × 10² है तो ये 600 हो गया, 3 × 10⁻¹ जो है वो 30 हो गया, और ये जैसे मैंने बताया 10^0 का आंसर 1 था तो 7 × 1 7 हो गया। तो इन सबको बेटे प्लस करें तो वही हमारे पास 5637 वाली वैल्यू जो है वो आ रही है। नेक्स्ट बेटे जो है पता है कि लाइकवाइज फिगर 361 जो है इसको एक्सप्लेन किया गया, ये बेटे देखें 361 जो है इसको कन्वर्ट किया गया है बाइनरी सिस्टम में, 361 जो है वो बेस 10 में था यानी डेसिमल सिस्टम में वैल्यू थी, उसको बेस 2 में कन्वर्ट किया गया। अब तरीका देखें, इसको 2 से डिवाइड किया, 2 वन्स आर 2, बाकी 1 बच गए, 1 को 6 के साथ मिलाया तो 16 बना, 2 8s आर 16, उसके बाद 1 आया, जब 1 को हमने लिया तो 1 2 से छोटा है, डिवाइड नहीं होता, लिहाजा हम यहाँ पे 0 लिख देंगे और 1 को इधर रिमाइंडर जो है 1 रिमाइंडर है उसको डैश डालकर राइट साइड पे लिख दिया, उसके बाद फिर 2 से डिवाइड किया, ये 90 से पूरा डिवाइड हो गया है, बाकी 0 बचा तो ये रिमाइंडर 0 लिख देना है, अगर 1 बचता है तो 1 लिखना है, 1 नहीं बचता 0 बचता है तो फिर 0 लिखना है, इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है एंड तक। एंड पे देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जब 2 से हमने डिवाइड किया तो 2 वन्स आर 2 हो गया और आगे 0, उसके बाद नीचे जो है वो ये चूंकि 1 तो 2 से नहीं जाता इसलिए 0 आएगी और 1 ऐसा चीज इधर आ जाएगा, तो ये बड़े असल में यहाँ तक ही करना काफी होता है, इसके आगे करने की भी जरूरत नहीं है, बस यहाँ से अब लेफ्ट टू राइट यूं आपने डिजिट्स को रिकॉर्ड करना होता है। ये देखिए 1 से स्टार्ट करेंगे 1 0, ये 1 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0 0, फिर 1, तो ये बेटे देखें ये वाला नंबर जो है ये बाइनरी सिस्टम है हमारे पास, आगे बाइनरी सिस्टम जो है उसमें हमने 361 को कन्वर्ट कर दिया है। बताया कि सिंपल मेथड जो इसको कन्वर्ट करने का वो बाइनरी 361 को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करने का है, वो क्या है कि 2 से डिवाइड करते जाए और जितने भी रिमाइंडर्स हैं उनको सीक्वेंस में आपने लिखना है स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना इधर, फिर ऊपर चलते जाना यहाँ तक, ये एंड पे ये काम नहीं करना है, इसकी जरूरत ही नहीं करने की, ना ये जीरो आपने लेफ्ट पे लिखनी है। तो अब ये रिक्वायर्ड फिगर हमें मिल गया रिमाइंडर्स को सीक्वेंस में लिखने के बाद। पता है कि लेटर्स को भी हम बाइनरी कोड्स में चेंज कर सकते हैं फिगर्स की तरह, और उसको जो है हम वोल्टेज पल्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं लेटर्स को, ये अल्फाबेट्स जो होते हैं हमारी, यानी कि कोई भी जो बात है अल्फाबेट्स में होती है, तो इन सब को हम जो है वो बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमारे जितने भी मैसेजेस होते हैं वो सारे के सारे बेटे कन्वर्ट हो जाते हैं डिजिटल सिग्नल्स के अंदर। तो ये आपको डिजिटल सिग्नल्स का थोड़ा सा प्रोसेस बताया गया कि हमारे पास फिगर्स हों या हमारे पास लेटर्स हों तो हम उनको बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बताया कुछ प्रॉब्लम्स का मेंशन किया यहाँ पे। प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कि कंप्यूटर्स को जब हम फोर और प्लेसेस पे इंटरकनेक्ट करते हैं ना, आपस में कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं। सिंपल सी चीज है ये, प्रॉब्लम क्या है कि जो कम्युनिकेशन होती है ना, इन्फॉर्मेशन की जो एक्सचेंज होता है, हमने दूर दराज जो भेजनी होती है इन्फॉर्मेशन या दूर दराज से कोई लेनी होती है, तो ये टेलीफोन वायर्स के जरिए होती है। वो बेसिकली किस लिए टेलीफोन वायर्स लगाई गई होती हैं, साउंड की ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है, साउंड की ट्रांसमिशन के लिए जो है ये वायर्स लगाई गई होती है। सिग्नल जो साउंड का होता है बेटे, ये होता है एनालॉग सिग्नल, इससे पीछे डिस्कस हुआ, ये वायर्स में से तो इजीली पास हो जाता है, एनालॉग सिग्नल है, और तारों में से बड़े याद रखो कि एनालॉग सिग्नल ही पास होते हैं। अब ये तारों में से जो है वो सिग्नल पास हो जाएगा साउंड का, क्योंकि एनालॉग सिग्नल है, लेकिन
जो कंप्यूटर का सिग्नल होता है बेटे वो होता है डिजिटल सिग्नल। अब कंप्यूटर का सिग्नल जो है वो वायर्स में से पास नहीं हो सकता, लिहाजा कंप्यूटर जो है उनको हम टेलीफोन वायर्स के साथ कनेक्ट करते हैं कुछ डिवाइसेस के जरिए। ऐसे डिवाइस के जरिए कनेक्ट करेंगे हम कंप्यूटर को टेलीफोन वायर के साथ, जो कि डिवाइस क्या करेगा, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। यानी कंप्यूटर के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस हुई है, जो डाटा हमारा है, वो है डिजिटल फॉर्म में। अब डिजिटल फॉर्म में ये डाटा तारों में से पास नहीं हो सकता तो हम क्या करते हैं, हम डिवाइस यूज करेंगे, मॉडेम है बेटे जो यूज होता है इसमें। मॉडेम के जरिए क्या होगा कि वो डिजिटल डाटा जो है उसको एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। अब ये एनालॉग सिग्नल जो है केबल्स में से, वायर्स में से इजीली पास हो जाएंगे। ऑन द अदर एंड क्या होगा, दूसरी साइड पे रिसीवर के एंड पे क्या होगा, वहां भी सेम डिवाइस यूज किया जाएगा जो कि उस एनालॉग सिग्नल को, जो कि वायर्स के अंदर से पास हो रहा था, उस एनालॉग सिग्नल को वो दोबारा डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, कबल इसके कि वो सिग्नल जो है वो कंप्यूटर को फीड किया जाए। जब कंप्यूटर को फीड किया जाएगा तो वो डिजिटल सिग्नल ही होगा। लिहाजा मॉडेम जो है वो दोनों साइड्स पे रिक्वायर्ड होगा, सेंडर वाली साइड पे भी और रिसीवर वाली साइड पे भी। ये आगे बताया उन्होंने कि इस डिवाइस को हम मॉडेम कहते हैं। एब्रीविएशन किसकी है, ये मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। देखो जो पहले ट्रांसमीटर या सेंडर वाली साइड पे जो डिवाइस है वो वहां पे क्या हो रही है, मॉड्यूलेशन हो रही है कि डिजिटल सिग्नल जो है वो एनालॉग में कन्वर्ट हो रहा है, और रिसीवर एंड पे क्या हो रहा है, एनालॉग सिग्नल डिजिटल में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो डी मॉड्यूलेशन हो रही है। तो ये मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर जो है उसकी एब्रीवेशन है मॉडेम। पता है कि अगर आप कंप्यूटर्स को एक ही कमरे में इंटरकनेक्ट करना चाहते हैं, मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को, या एक ही बिल्डिंग के अंदर कनेक्ट करना चाहते हैं, वहां पर मॉडेम की जरूरत नहीं होती, वो बगैर मॉडेम के ही जो है वो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पर या दूर दराज ज्यादा डिस्टेंसेस पे जो कंप्यूटर पड़े उनको इंटरकनेक्ट करना चाहते हैं, वहां पे मॉडेम रिक्वायर्ड होता है। ये बेटे अगर आप डायग्राम में देखें, ये डिजिटल सिग्नल जो 361 का था उसको उन्होंने शो किया। ये देखें जहां पे 1 है वहां पे ये पीक आ गई, जहां पे 0 है वहां पे ये फ्लैट लाइन आ गई। आगे 1 दो जगहों पे है तो ये डबल, देखो डबल पीक शो की है, जैसे 0 पे फ्लैट हो जाएगा, आगे फिर पीक है, फिर 2 जीरो से 2 तो डबल फ्लैट एरिया शो किया, फिर 1 पीक शो की। तो ये देखें मैक्सिमम और मिनिमम सिर्फ 2 ही स्टेट्स हैं डिजिटल की, या मैक्सिमम है या मिनिमम है, कोई इन बिटवीन रेंज नहीं है, इसलिए इसको डिजिटल सिग्नल कहते हैं। डिस्क्रीट फॉर्म में जो है डाटा ट्रांसमिशन है। नेक्स्ट बैठे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बताया कि हम जिस दौर में रह रहे हैं, इट इज एज ऑफ इंफॉर्मेशन, हर रोज हम कितने इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों से शेयर करते हैं, लोगों को इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं, डिफरेंट काइंड के इन्वेंशन जो हैं उनके जरिए ये पॉसिबल हो चुका है कि हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो थोड़े टाइम में हासिल कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी लोगों से ले सकते हैं, लोगों को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, एंड दिस कैन बी मेड अवेलेबल फॉर यूज। ये जो मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन है इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अब देखें गेम्स हैं, म्यूजिक है, अदर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स हैं, जो कि दुनिया के किसी भी कोने में हो रहे हों तो हम उनको कहीं भी वॉच कर सकते हैं। हम अपने घरों में बैठे वॉच कर रहे होते हैं और ये प्रोग्राम्स आप देखें कि कितने दूर दराज हो रहे होते हैं। तो डिफाइन किया इसको कि साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग एंड यूजिंग देम प्रॉपरली एंड देयर कम्युनिकेशन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या करना कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, फिर उसको प्रोसेस करना, फिर उसको प्रॉपरली यूज करना, और फिर उस इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन, इसका जो साइंटिफिक मेथड है वो बेटे कहलाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि साइंटिफिक मेथड है, इसके जरिए क्या क्या काम करते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं और प्रॉपरली जो है उसको यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए।
नेक्स्ट टेली कम्युनिकेशन क्या है, देखिए कम्युनिकेशन टू फार ऑफ प्लेस, दूर दराज जगहों तक जो कम्युनिकेशन है और वो भी इफेक्टिव वे में करना, तो ये हमेशा से एक चैलेंज रहा है साइंटिस्ट को कि कैसे की जाए। तो बेटे 1901 में, 1901 में टेलीग्राफ सिग्नल जो है इसको ट्रांसमिट किया गया और उसको रिसीव किया गया दूसरे एंड पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए, फर्स्ट टाइम तारों में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में टेलीग्राफ सिग्नल को ट्रांसमिट किया गया और उसको रिसीव किया गया। इसका बेटे जो इन्वेंटर था वो मार्कोनी था। मार्कोनी जिसका आपको मालूम है कि रेडियो की जब इजाद की बात आती है कि रेडियो किसने इजाद किया, तो मार्कोनी का नाम आता है। 1906 में फर्स्ट ह्यूमन वॉइस जो थी वो ट्रांसमिट हुई रेडियो के जरिए। नाउडेज टेलीफोन के साथ साथ जो है अदर डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, जिसमें फैक्स मशीन है, कंप्यूटर है, इंटरनेट वगैरह है, ये मेन सोर्सेज हैं कांटेक्ट के, जिनके जरिए हम दुनिया में कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ। बताया कि इन डिवाइसेस के जरिए हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं, किस फॉर्म में, वर्ड्स की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में, कंप्यूटर डाटा के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में जो है इंफॉर्मेशन को हम शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, और फिर दुनिया में जहां मर्जी चाहे कर सकते हैं, विद इन अ सेकंड कर सकते हैं, स्पीडी प्रोसेस है। डिफाइन किया टेलीकम्युनिकेशन को कि मेथड्स यूज फॉर इंस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू फार ऑफ प्लेसेस, इंस्टेंट के फॉर्म स्पीडी, स्पीड से कम्युनिकेशन करना, इंफॉर्मेशन को शेयर करना दूर दराज जगहों तक, जगहों ये टेली कम्युनिकेशन कहलाता है। पता है कि इन ऑल कम्युनिकेशन मेथड्स इंफॉर्मेशन जो है ये कैसे ट्रांसमिट होती है, आफ्टर कन्वर्टिंग देम इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, कि पहले इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद ये सेंड की जाती है अदर साइड। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का बताया कि इनको हम तारों के जरिए सेंड करते हैं, या फिर हम रेडियो सिग्नल्स के जरिए सेंड करते हैं एयर के अंदर, या फिर हम लाइट सिग्नल्स के जरिए इनको ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू सेंड करते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीके बताए गए जिनके जरिए हम सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। रेडियो और टेलीविजन ये बेटे दो मेन सोर्सेज हैं टेली कम्युनिकेशन के, कुछ और सोर्सेज भी जो हैं वो भी आपको आगे बताया जा रहे हैं। मिस्टर टेलीग्राफी, टेलीग्राफी में क्या होता है कि मैसेजेस जो होते हैं ये ट्रांसमिट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉर्स कोड्स। मॉर्स कोड्स जो है मॉर्स के नाम पे ये नाम दिया गया है मॉर्स कोड्स को। मॉर्स कोड्स डॉट्स और डैशेस के फॉर्म में होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज कर दिया जाता है, फिर उसको अदर प्लेसेस को ट्रांसमिट किया जाता है। अब ऑन द अदर एंड क्या होता है, ये सिग्नल अगेन जो है वो ऑडिबल ऑडिबल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस हैं इनको ऑडिबल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो बताया कि इस मेथड के अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या करते हैं, एक्सपर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं किस पर्पस के लिए, सिग्नल्स को कोड करने के लिए और फिर उनको डीकोड करने के लिए। अब कोई भी मैसेज है उसको वो मॉर्स कोड्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उनको आगे डीकोड भी करेंगे असल फॉर्म में, जो कि अदर साइड पे आपको मैसेज रिसीव होगा। तो ये मेथड वैसे स्लो है, जो टेलीग्राफी का मेथड है ये स्लो है। दूसरा आ गया टेलीफोन का, ये एडवांस फॉर्म है टेलीग्राफी की, इसमें डायरेक्ट कन्वर्सेशन जो है वो पॉसिबल होती है टेलीफोन के जरिए, बजाय इसके कि आप कोड यूज करें दोनों साइड्स पे जो है कोडिंग डीकोडिंग हो, तो इससे डायरेक्ट कन्वर्सेशन हो सकती है, टू वे कम्युनिकेशन है ये। वन पार्ट जो टेलीफोन का है हैंडसेट का वो माइक्रोफोन होता है, और जो अदर पार्ट होता है वो रिसीवर होता है। कार्बन ग्रेन्यूल्स ये फिल्ड होते हैं माइक्रोफोन के अंदर, ओवर विच क्या होता है कि मेटालिक डायफ्राम फिक्स होती है, ठीक है, उसके ऊपर मेटालिक डायफ्राम होती है। जब कोई बंदा बोलता है माइक्रोफोन के अंदर तो जो डायफ्राम होती है वो वाइब्रेट करती है। जाके देखें यहाँ पे आपको शो किया गया, ये बंदा मसलन माउस शो किया कि इधर से आवाज का सोर्स से आवाज पैदा हो रही है, तो ये इसमें डायफ्राम है ये वाइब्रेट करेगी, ये माइक्रोफोन का सिस्टम शो कर रहा है। तो जब डायफ्राम वाइब्रेट करती है तो इससे प्रेशर में वेरिएशन आती है,
प्रेशर की वेरिएशंस पैदा होगी, और ये जो वेरिएशंस होंगी प्रेशर की किसमें, कार्बन ग्रेन्यूल्स के अंदर। जो कार्बन ग्रेन्यूल्स आपको बताए गए हैं कहां पे हैं, वो माइक्रोफोन के अंदर फिल्ड थे, और उनके ऊपर क्या था, मेटालिक डायफ्राम थी। अब मेटालिक डायफ्राम के अंदर वाइब्रेशंस पैदा हुई, ये वाइब्रेशन जो है इससे प्रेशर की जो चेंजेस थी कार्बन ग्रेन्यूल्स में ट्रांसफर हुई है। अब जब कार्बन ग्रेन्यूल्स में वाइब्रेशंस पैदा होंगी तो रेजिस्टेंस चेंज होगी, ठीक है, प्रेशर की चेंजेस की वजह से रेजिस्टेंस चेंज होगी और करंट जो है सर्किट के अंदर वेरी करेगा, क्योंकि बेटे करंट जो है वो तो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस थोड़ी है तो करंट ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट थोड़ा हो जाता है। तो चूंकि ये कार्बन ग्रेन्यूल्स की वजह से क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस में चेंज आ रही है, तो उसका क्या रिजल्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस के चेंज होने से प्रेशर के चेंज होने से रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो रही है। तो बताया कि 10 माइक्रोफोन क्या करता है, चेंजेस साउंड इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, साउंड को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है माइक्रोफोन, जो कि ट्रांसमिट हो जाते हैं थ्रू वायर्स टू रिसीवर एट द अदर एंड ऑफ द लाइन। लाइन के दूसरे सिरे पे क्या होता है कि ये सिग्नल्स दूसरे सिरे पे दोबारा कन्वर्ट हो जाएंगे साउंड में। पता है कि इसमें आयरन डायफ्राम जो है वो रिसीवर एंड पे भी होती है, ये देखें ये रिसीवर एंड शो किया, इधर भी ये डायफ्राम है, आयरन डायफ्राम ये वाली रिसीवर एंड पे होती है, जिसके नीचे के देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जिसके अंदर से जब करंट पास होगा तो वो मैग्नेट बनता है, तो चूंकि ये एसी करंट होता है, एसी सिग्नल होते हैं, तो वो डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं, तो इसमें कॉन्टिन्यूस ऑन एंड ऑफ केस होता है, जैसे कि वाइब्रेशन पैदा होती है, तो ये वाइब्रेशन जो है उसी करंट के अकॉर्डिंगली पैदा होगी, जैसे साउंड सिग्नल्स होंगे वैसे वाइब्रेशंस होंगी, ये वाइब्रेशन अगर इस डायफ्राम को उसी फ्रिक्वेंसी की वाइब्रेशन जो है वो ट्रांसमिट होती है, और ये उसी फ्रिक्वेंसी से डायफ्राम वाइब्रेट करता है, तो आगे जो साउंड वेव्स यहाँ पे ये एयर की लेयर्स होती है ना, इनके जरिए वो वेव्स जो है वो कान को आगे ट्रांसफर हो रही है, तो हमें आवाज सुनाई देती है। ये बेटा आपको नेक्स्ट बताया गया कि आयरन डायफ्राम रिसीवर एंड पे भी होती है, जिसके नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेट था, तो वेरिएशन जो करंट की है इससे क्या होता है, कॉइल में से जो करंट, ये वाली कॉइल, इस कॉइल में से जो करंट पास होता है उसकी वेरिएशन की वजह से फोर्स पैदा होती है, मैग्नेट की फोर्स, और वो फोर्स किस पे लगेगी, डायफ्राम के ऊपर। तो डायफ्राम जो है वो बैक एंड फोर्थ अकॉर्डिंगली मूव करती है, जैसे जैसे सिग्नल होता है तो वैसे ही इसमें मूवमेंट आएगी, और वाइब्रेटिंग डायफ्राम जो है ये साउंड प्रोड्यूस करती है। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ऑफ टेलीफोन, ये मेटालिक वायर्स में से पास हो जाते हैं इन मॉडर्न सिस्टम। क्या होता है, पहले तो बताया कि इलेक्ट्रिक सिग्नल जो थे टेलीफोन के, ये मेटालिक वायर्स के जरिए पास किए जाते थे। अब मॉडर्न सिस्टम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पहले कन्वर्ट होते हैं लाइट सिग्नल्स में, फिर उनको हम ट्रांसमिट करते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स के जरिए। बताया कि हर कंट्री में नेटवर्क है टेलीफोन एक्सचेंजेस का, जो कि प्रोवाइड करता है कॉन्टेक्ट बिटवीन टू टेलीफोन, दो टेलीफोन के दरमियान जो कॉन्टेक्ट पैदा करता है। और इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट जो है वो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के जरिए होते हैं थ्रू सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स की कम्युनिकेशन बेटे याद रखें ये माइक्रोवेव्स के जरिए होती है। ये आपको सिस्टम शो किया गया कि ये ग्राउंड स्टेशन है, यहाँ पे ये सैटेलाइट को माइक्रोवेव्स जा रही हैं। ये ईयर पीस है रिसीवर का शो किया, जैसे कि हम साउंड सिग्नल्स को रिसीव कर सकते हैं, थ्योरेटिकल सिग्नल्स हैं वो साउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमें आवाज सुनाई देती है। और उसके बाद ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं जो कि डीप अंडर द सी होती हैं, इंसुलेटेड केबल्स होती हैं, तो ये जा रही हैं दूर दराज तक। उसके बाद ये आगे दूसरे फिर ग्राउंड स्टेशन शो किया, यहाँ पे वो माइक्रोवेव्स के जरिए सिग्नल्स आ रहे हैं सैटेलाइट से, यहाँ पे रिसीव होंगे ग्राउंड स्टेशन पे, और इसके बाद वो आगे ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं टू कंज्यूमर्स। ये आगे लोकल एक्सचेंज सिस्टम भी उन्होंने शो किया है,
इलेक्ट्रिक केबल सिस्टम, ये आगे रिसीवर है, तो दोनों साइड पे जो है ये सिस्टम होता है कि साउंड को हम रिसीव भी कर सकते हैं और साउंड को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटे है मोबाइल फोन। मोबाइल टेलीफोन आजकल जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल टेलीफोन बहुत कॉमन है जो कि, तो ये रेडियो वेव्स की सूरत में मैसेजेस को सेंड भी करता है और रिसीव भी करता है। तो इसके अंदर बेटे रेडियो ट्रांसमीटर होता है और रेडियो रिसीवर भी होता है। एक ही सेट के अंदर रेडियो ट्रांसमीटर भी होता है और रिसीवर भी होता है। तो ट्रांसमीटर जो है ये साउंड को कन्वर्ट करता है रेडियो वेव्स में, जो कि कोई भी नियर बाय स्टेशन है तो वहां पे रिसीव होती हैं, और ये स्टेशन आपस में टेलीफोन नेटवर्क के जरिए लिंक्ड होते हैं। रेडियो सिग्नल्स जो हैं वो हमारा जो रिसीवर होता है, जो भी आपका नेक्स्ट जो टेलीफोन नेटवर्क है वो आगे ट्रांसमिट कर देगा रेडियो सिग्नल्स को ऑनवर्ड। देखिए बेटे दोबारा देख लें कि ट्रांसमीटर ने क्या किया, साउंड को रेडियो वेव्स में कन्वर्ट किया, जो कि नियर बाय स्टेशन को रिसीव हुई कैसे, टेलीफोन नेटवर्क के जरिए, और उस करीबी स्टेशन ने क्या किया है, इन रेडियो सिग्नल्स को ऑनवर्ड यानी आगे ट्रांसमिट कर दिया। अब जो एरिया होता है ना किसी एक स्टेशन का, नेटवर्क के एक स्टेशन का यानी हर स्टेशन का जो एरिया होता है उसको बेटे हम कहते हैं सेल। ये जो स्टेशन की बात की ना आपको नियर बाय स्टेशन की, तो एक स्टेशन का जो एरिया है उसको हम कहते हैं सेल। जब कॉल एक सेल से दूसरे को पहुंचती है तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट जो है कनेक्ट हो जाता है रिक्वायर्ड स्टेशन को बाय ऑटोमेटिक सिस्टम। एक सेल से दूसरे सेल तक जब कॉल पहुंचती है ना, तो ऑटोमेटिकली जो है वो क्या होगी, अगले सेल के साथ या अगले स्टेशन के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो मोबाइल फोन को इसी वजह से सेलुलर फोन भी कहा जाता है, बाय वर्चू ऑफ सेल सिस्टम। क्योंकि इसमें सेल सिस्टम है, एक सेल फिर दूसरा सेल फिर तीसरा सेल, जो ऑटोमेटिकली साउंड को कनेक्ट करते जाते हैं अगले सेल्स में। तो इसी वजह से हम मोबाइल को क्या कहते हैं, सेलुलर फोन भी कहते हैं, या ओनली सेल बोला जाता है या सेल फोन बोला जाता है। रिसीवर जो मोबाइल फोन का होता है वो दोबारा रेडियो सिग्नल्स को साउंड में कन्वर्ट कर देता है और हम आवाज सुन सकते हैं। तो ये बेटे प्रोसेस दोनों साइड्स पे होगा, सेंडर रिसीवर दोनों साइड्स पे होगा, क्योंकि एक ही मोबाइल में ये दोनों सिस्टम होते हैं, सेंडिंग का भी और रिसीविंग का। उसके बाद है टेलेक्स मशीन। टेलेक्स मशीन जिसमें एक टेली प्रिंटर होता है और एक एक्सचेंज मशीन होती है। जो भी मैसेज आपने एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना होता है उसको पहले क्या किया जाता है, टाइप किया जाता है, टेलेक्स मशीन के जरिए उसको टाइप करते हैं। फिर एक्सचेंज मशीन क्या करती है, उस मैसेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती है, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ये जो अदर टेलेक्स मशीन होगी, जिधर हमने मैसेज भेजना है, जिस बंदे की तरफ भेजना है, तो उस बंदे की जो मशीन होगी तो उसको ये पहुंचेगा। तो वहां पे टैली प्रिंटर होता है, दूसरी साइड पे क्या होगा, टैली प्रिंटर होता है, वो टैली प्रिंटर प्रिंट करेगा मैसेज को पेपर के ऊपर। क्योंकि होल मैसेज इसमें बेटे जैसा आपने सुना कि टाइप करना पड़ता है, इस मशीन के पास सारा मैसेज हमें टाइप करना पड़ता है, इसलिए ये मशीन इतनी पॉपुलर नहीं है, क्योंकि इससे टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। तो इस मशीन की जगह जो है वह फैक्स मशीन ज्यादा यूज हो रही है। फैक्स मशीन के जरिए जो है ये प्रोसेस हो रहा है मैसेजेस को सेंड करने का। अब बेटे फैक्स मशीन में देखें क्या है, वो काम सारा टैली या टेलेक्स मशीन वाला है, लेकिन इसमें टाइप करने वाला सिस्टम नहीं है। ये भी आप डॉक्यूमेंट्स या पिक्चर जो भी हैं उनको एज सच ही सेंड कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन जैसा वर्ड फैक्स है, फैक्स जो है असल में शॉर्ट फॉर्म में फैक्स ही मिलेगी, ये वर्ड याद रखें, इसका तलफ़ुज़ क्या है, फैक्सिमिली, फिर सुन लें, फैक्सिमिली, इसकी एब्रिवेशन है, ये शॉर्ट फॉर्म इसकी है फैक्स। तो फैक्सिमिली बेटे किसको कहते हैं, उर्दू में कहते हैं लिखाई, राइटिंग, कोई भी आपका डाटा जो है उसको फैक्सिमिली कहा जाता है। मतलब टू रिप्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट और पिक्चर इन एग्जैक्टली द सेम फॉर्म, जो आपका डॉक्यूमेंट है ये पिक्चर है उसको बिल्कुल हाउ उसी फॉर्म में दूसरे बंदे तक पहुंचाना, ये फैक्सिमिली है।
तो फैक्स मशीन बेटे क्या करती है, ये पहले उस डॉक्यूमेंट का या पिक्चर है तो उसका इमेज लेती है, फिर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है, फिर उसे ट्रांसमिट कर देती है टेलीफोन लाइन के जरिए। अब फैक्स मशीन जो दूसरे एंड पे होती है, अदर साइड पे, वो इन सिग्नल्स को रिसीव करती है और इनको दोबारा पेपर के ऊपर प्रिंट कर देती है। जो इमेज है, डॉक्यूमेंट है, वो पेपर पे प्रिंट होकर आ जाता है। तो जिस फॉर्म में हमारा डॉक्यूमेंट हमारे पास था, बिल्कुल इसी फॉर्म में ये रिसीवर के पास चला जाता है। तो बेटा देखा आपने कि कितना आसान काम है कि इसने डायरेक्ट इमेज ले लिया है और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके रिसीवर एंड पे पहुंचा दिया है, जबकि टेलेक्स मशीन में तो हमें सारा डाटा लिखना पड़ना था, लिखना पड़ता था। इसलिए फैक्स मशीन इज रिप्लेसिंग टेलेक्स मशीन। ये फैक्स मशीन टेलेक्स मशीन को रिप्लेस कर रही है, उसकी जगह अब ये यूज कर रही है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन सिस्टम्स। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह, ये कहलाती है कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस यूज होते हैं इस मेथड में, जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। तो ये सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस हैं, इनको हम कहते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम, डाटा जो कि हमने ट्रांसफर करना होता है, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं? इसमें बेटा देखें, साउंड हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो हो सकती है, ग्राफिक्स हो सकते हैं, ये मुख्तलिफ किस्म का डाटा हो सकता है जिनको हमने ट्रांसफर करना होता है। जो डिवाइसेस इन्वॉल्व होते हैं इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में, जैसे बेटे टेलीग्राफ है, टेलीफोन है, रेडियो है, टेलीविजन है या कंप्यूटर है, तो ये डिवाइसेस यूज होते हैं। डिस्टेंस बेटे शॉर्ट भी हो सकता है, यानी ऐसे भी कि एक रूम में बैठे हैं दूसरे रूम तक बात पहुंचानी है। आपको पता है कि मोबाइल फोन के जरिए आप बात कर रहे हैं तो एक बिल्कुल एक दूसरे के पास बैठे भी आप एक दूसरे की बात मोबाइल के थ्रू सुन सकते हैं। ये नहीं कि पास बैठे हैं तो मोबाइल के थ्रू आवाज नहीं जाएगी, आपकी आवाज डायरेक्ट भी जाएगी, मोबाइल के थ्रू भी जाएगी, कोई भी डिवाइस यूज करें। तो ये शॉर्ट डिस्टेंसेज भी हो सकते हैं और ये लॉन्ग डिस्टेंसेज भी हो सकते हैं कि मसलन इंफॉर्मेशन जो है वो सोलर सिस्टम के दूसरे एंड पे, किसी भी अदर अदर प्लेनेट पे पहुंचाई जा सकती है, दुनिया में किसी भी जगह पहुंचाई जा सकती है। तो ये डिस्टेंस की बात की, फिर डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है कम्युनिकेशन में। पता है कि जब हम बोलते हैं किसी भी कंप्यूटर की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक विद रेफरेंस टू कंप्यूटर, तो जब कंप्यूटर के रेफरेंस से बात कर रहे होते हैं, तो फिर कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? कम्युनिकेशन का मतलब है एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना। अब इस कनेक्शन के साथ आपको क्या फायदा होगा? आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। बताया कि जब आप कंप्यूटर लेवल पे कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि एक कंप्यूटर को आप दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन जो कंप्यूटर्स के दरमियान होती है, तो ये बेटे उस वक्त हो सकती है जब कंप्यूटर्स जो हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं, जब डाटा जो है एक कंप्यूटर का इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए दूसरे कंप्यूटर को पहुंचता है, तो तभी दो कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन हो सकती है। एक कंप्यूटर का डाटा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की फॉर्म में दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचता है, तो तभी हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। अब ऐसे कंपोनेंट्स जो कम्युनिकेशन सिस्टम के हैं वो बेटे देखें, सेंडिंग डिवाइस है, उसके बाद कम्युनिकेशन लिंक या मीडियम है, फिर रिसीविंग डिवाइस है। इंफॉर्मेशन सेंडिंग डिवाइस का बताया कि मोस्ट केसेस में कंप्यूटर ही होता है जो कि इंफॉर्मेशन को डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, इनको बाद में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है मॉडेम के जरिए। तो पहले आपने आपको बताया कि एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में चूंकि डाटा ट्रांसमिशन होनी है केबल्स के थ्रू, तो मॉडेम जो है वो हमारे डिजिटल डाटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, यानी उसमें एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा ताकि वो दूर दराज ट्रांसमिट हो सके। अब इस ट्रांसमिशन के लिए बेटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है, इनकी ट्रांसमिशन के लिए हमें मीडियम रिक्वायर्ड होता है। ये जो कम्युनिकेशन लिंक या मीडियम, दूसरा सिस्टम जो पार्ट बताया था कम्युनिकेशन सिस्टम का, ये उसकी बात कर रहे हैं कि हमें मीडियम या लिंक चाहिए होता है। फिर उसके बाद रिसीवर एंड पे क्या होता है, ये जो सिग्नल्स होते हैं ये दोबारा डिजिटल वंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वहां भी मॉडेम होता है जो डीमॉड्यूलेशन करेगा बिफोर अलाउंग डाटा टू एंटर द कंप्यूटर अगेन, क्योंकि कंप्यूटर तो एनालॉग को नहीं समझ सकता, कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल को समझ सकता है। इसलिए जो दूसरी साइड का मॉडेम है वो डीमॉड्यूलेशन कर देगा डाटा की,
और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। ये बेटा देखें, ये कंप्यूटर है जो कि यहाँ पे सेंडर है, ये इसका डिजिटल सिग्नल था, डिजिटल सिग्नल जो है इसके वो मॉडेम उसको कन्वर्ट कर रहा है एनालॉग सिग्नल्स में, ये मीडियम के थ्रू ट्रांसमिशन हो रही है सिग्नल्स की। उसके बाद रिसीवर एंड पे जो मॉडेम है वो इन एनालॉग सिग्नल को दोबारा डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, ये डिजिटल सिग्नल अगले कंप्यूटर को फीड हो रहे हैं जो कि रिसीवर एंड पे है, और ये कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस करेगा। कॉमनली यूज लिंक्स का बताया कि ये तीन किस्म के होते हैं। पहला लिंक क्या है, टेलीफोन वायर होती है जिसको बूस्टेड पेयर्स भी कहते हैं, टेलीफोन की तारें जो है। सेकंड वन जो इसमें है वो फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी है, ऑप्टिकल फाइबर का यूज होना, ट्रांसमिशन डाटा की जो ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू है। बताया कि ये बहुत फास्टर होती है, बहुत स्पीडी है, और थाउजेंड सिग्नल, हजारों सिग्नल जो है वो एट ए टाइम फाइबर में से पास हो सकते हैं। मोर ओवर ये कि सिग्नल जो है इनकी एनर्जी लूज नहीं होती, जैसे हमें ना रिपीटर्स यूज करने पड़ते हैं, बूस्टर यूज करने पड़ते हैं रेडियो सिग्नल्स के लिए, तो ये जो सिग्नल्स जा रहे हैं केबल्स के थ्रू, ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू, सॉरी ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो सिग्नल जा रहे हैं तो इसके इनके एनर्जी लूज नहीं होती। थर्ड लिंक बेटे है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, जो सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन होती है वो माइक्रोवेव्स के जरिए होती है। ये सैटेलाइट टीवी के टॉपिक में हमने पढ़ी है चीजें डिटेल से। सिग्नल्स को सैटेलाइट्स की तरफ ट्रांसमिट किया जाता है माइक्रोवेव्स के जरिए ग्राउंड स्टेशन से, और जो सैटेलाइट है वो उनको रीट्रांसमिट करता है अगेन माइक्रोवेव्स की फॉर्म में, जो है डाटा को ट्रांसमिट करेगा ग्राउंड स्टेशन की तरफ आफ्टर एम्पलीफाइंग देम। सैटेलाइट पे क्या है, सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके फिर अगले ग्राउंड स्टेशन की तरफ भेजा जाता है, वहां से वो सिग्नल जो है वो ऑनवर्ड ट्रांसमिट हो जाएंगे अदर मीडिया के जरिए। यानी ग्राउंड स्टेशन पे जब पहुंच गए हैं, आगे हमारे पास क्या होगा, ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह वो केबल्स यूज कर लेंगे हम, या जैसा वाईफाई सिस्टम होता है तो इनके जरिए अदर प्लेसेस पे डाटा को हम ये कम्युनिकेशन को जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बताया इंटरनेट के, इंटरनेट जो है नेम ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स। इंटरनेट का मतलब क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इसको कहा जाता है, कि बहुत से कंप्यूटर्स जो हैं, लाखों कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं। नॉट ओनली बताया कि आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं इंटरनेट पे, बल्कि क्या आप इंफॉर्मेशन रिसीव भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि आप इंफॉर्मेशन दूसरों को पहुंचा सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन रिसीव भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पे स्टोर भी करते हैं। किस फॉर्म में, वेबसाइट्स के फॉर्म में। अब वेबसाइट क्या होती है, ये ह्यूज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, आप इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं जब भी आपको रिक्वायर्ड हो। यानी वेबसाइट के ऊपर ये इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, और इसको जब भी हमें रिक्वायर्ड हो, जरूरत हो, हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा होता है कि कंपनीज जो हैं अपनी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स भी प्रोवाइड कर सकती हैं वेबसाइट्स के ऊपर, एडवर्टाइज कर सकती हैं। जो प्रोफेशनल्स हैं, पेशेवर लोग जो हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अबाउट डिफरेंट प्रॉब्लम्स, वो अपने प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। इवन कि आप इंटरनेट के थ्रू जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को दूर दराज जगहों पे, दूसरे ममालिक में। तो किसके जरिए होता है ये, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP के थ्रू होता है, थ्रू योर कंप्यूटर होगा, वो आपको इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करता है। आपका जो ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, ये आपके कंप्यूटर के जरिए इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट आपको प्रोवाइड करता है, तो आप दूर दराज बातचीत कर सकते हैं। कंप्यूटर्स जो इंटरनेट के साथ लिंक्ड होते हैं, ये बेटे यूनिफॉर्म कम्युनिकेशन प्रोसेस यूज करते हैं। यानी एक जैसा कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल याद रखें, ये सेट ऑफ रूल्स होता है। प्रोटोकॉल जो है असल में क्या है, ये सेट ऑफ रूल्स होता है दैट गवर्न्स द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज, बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स, बिटवीन डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। जो कंप्यूटर ये डाटा एक्सचेंज होता है तो उसको कंट्रोल करने के कुछ रूल्स होते हैं, इनको प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। प्रोटोकॉल जो पाकिस्तान में यूज हो रही है, ये है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको एब्रीवेट किया जाता है TCP/IP के साथ। TCP/IP क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल।
तो इसके जरिए जो है ट्रांसमिशन डाटा की और जो भी हमारी कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल होती है। ईमेल लास्ट टॉपिक है, मेजर यूज जो इंटरनेट का है वो क्या है, क्विक मेलिंग, या जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, सिंपली ईमेल भी कहा जाता है। अब इसके जरिए हम क्या करते हैं, हम अपने मैसेजेस को इमीडिएटली अदर पर्सन तक सेंड कर सकते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी बंदे को सेंड कर सकते हैं। और अगर कंसर्न्ड पर्सन प्रेजेंट नहीं भी उस वक्त वो अपना कंप्यूटर नहीं भी ऑन करके बैठा, तो वो मैसेज को लेटर ऑन यानी बाद में भी पढ़ सकता है। इसके लिए हम करते क्या, हम ईमेल कैसे सेंड करते हैं। सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं। बेटा ईमेल करने का तरीका बताया जा रहा है कि हम कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं, फिर हम ईमेल एड्रेस जो है अपना वो लिखते हैं। ईमेल एड्रेस कौन सा होगा, जिसको हमने ईमेल करनी है तो उसका ईमेल एड्रेस लिखेंगे। ये ईमेल एड्रेस और पासवर्ड की जिसकी बात हो रही है ना, ये तो वो है कि अगर आप खुद जो है वो ऑन दूसरा साइन इन नहीं है, तो अगर आप साइन इन हैं तो आपको फिर ईमेल बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी या पासवर्ड नहीं देने पड़ेगा। अगर आप साइन इन होना चाहते हैं तो पहले आप ईमेल का एड्रेस लिखेंगे, उसका पासवर्ड देंगे, तो आप साइन इन हो जाएंगे। जैसे आपका मेल बॉक्स ओपन हो जाएगा, जब मेल बॉक्स ओपन हो गया तो आपको कोई अगर ईमेल आई हुई है आप उसको रीड कर सकते हैं और अपनी ईमेल को सेंड भी कर सकते हैं टू अदर्स, किसी भी दूसरे को जो ईमेल सेंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, उसका ईमेल एड्रेस जो है उस बंदे का उसको टाइप करते हैं, फिर उसके बाद जो भी आपका मैसेज होता है वो लिखते हैं, फिर आप सेंड का बटन जो है ये प्रेस कर देते हैं। तो आपका जो मैसेज है ये रिक्वायर्ड पर्सन जो था दूसरी साइड पे उसके मेल बॉक्स में ट्रांसफर हो जाता है। आगे बताया कि नाउडेज क्या वॉयस मेल भी पॉसिबल है, जिसमें कि वॉयस जो है वो रिसीविंग एंड पे पहुंचती है ओरिजिनल फॉर्म में, आपकी आवाज जो है वो पहुंच जाती है, यानी आपको लिखना नहीं पड़ता, आपकी आवाज जो है ऐसा आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और टू वे कम्युनिकेशन भी हो सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसेज हो सकती हैं, टेलीविजन, वीडियो, साउंड टेक्नोलॉजी। तो बताया कि कंप्यूटर के जरिए ये लिंक्ड होते हैं डिफरेंट प्लेसेस आपस में, जिसके जरिए के पर्सन जो है एक दूसरे से दूर दराज जगहों पे मुख्तलिफ जगहों पे बैठे जो है एक दूसरे के पास बैठे वो चीजें देख भी सकते हैं, बात सुन भी सकते हैं और बातचीत भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ये बेटे टुडेस टॉपिक कंप्लीट हुए, उसके बाद एक ही पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आप डिस्कस कर ये आप रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये ग्लॉसी की चीजें हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में मिलेंगी। तो अब बेटे नेक्स्ट जो है ये आ रही एक्सरसाइज, ये सब आप जरा साथ आपसे मैं पूछूंगा, आपने चीजें अब समझ ली है। ये सब आवाज आ रही अच्छा चले, और ऑप्शंस गिवन है, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मोस्ट ऑफ द करंट इज ड्यू टू, हां जी किस वजह से होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में करंट, होल्स, यस बी ऑप्शन होगी, होल्स के जरिए होता है। सेकंड क्वेश्चन, डायोड्स आर यूज्ड टू नंबर वन कन्वर्ट एसी टू डीसी, एसी इनटू एसी, स्टोर चार्ज या चेंज वोल्टेज, यानी किस लिए यूज होता है डायोड, कन्वर्ट एसी टू इनटू डीसी, यस कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए होता है। नेक्स्ट बताया कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल बाय, किसके जरिए होता है, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्कैनर या मॉडेम, मॉडेम, मॉडेम के जरिए होता है, यस। नेक्स्ट बताया कि इन बाइनरी सिस्टम 37 इज रिटन एज, ये बेटे वही प्रोसेस जो मैंने आपको 2 पे डिवाइड करने वाला बताया था, 2 से मुसलसल डिवाइड करते जाना है, रिमाइंडर को राइट साइड पे लिखते जाना है, फिर जब एंड पे 1 बचता है तो वहां पे आपने क्या लेफ्ट टू राइट सारे डिजिट्स को तरतीब से लिखना है, तो बाइनरी सिस्टम में इसकी वैल्यू आएगी। तो इसके 37 की बेटे आती है 100101, ये बी ऑप्शन आपकी बनेगी। आप इसको सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं, ये आंसर आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट जो है, एनालॉग सिग्नल इज रिकॉर्डेड ऑन, किसके ऊपर, मैग्नेटिक टेप के ऊपर होता है, फ्लॉपी डिस्क पे होता है, हार्ड डिस्क पे होता है, या सीडी के ऊपर होता है,
मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप, यस, बेटर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स इज द नॉलेज ऑफ बिहेवियर एंड कंट्रोल ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। नंबर टू, अ डैश बीम स्कैन्स सीडी फॉर रीप्ले। हाँ जी, कौन सी बीम यूज होती है? लेजर बीम। कौन सी बीम यूज होती है? लेजर बीम। हाँ जी, लेजर बीम यूज होती है। थर्ड, प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ डैश इंस्ट्रक्शंस। लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। फोर, ऑर्बिट ऑफ हॉवरिंग सैटेलाइट इज नोन एज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये क्या कहलाता है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इन द पिक्चर ट्यूब एन इलेक्ट्रॉन गन थ्रोज अ बीम ऑफ डैश ऑन द स्क्रीन। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन गन क्या करती है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो स्क्रीन पे शो थ्रो करेगी। Next, true false. Quality of sound from digital recording of CD is much better as compared to that of cassette tape. हाँ जी, ये ठीक है, ठीक है, टेक हो जाएगा। And next, analog signal consists of distinct on-off electrical pulses. ये गलत है, distinct नहीं होती बल्कि continuous variation होती है, ये गलत हो जाएगा, cross हो जाएगा second. In cable TV, electrical signals are converted into radio waves. गलत है, नो, गलत है। इसमें लाइट सिग्नल्स की फॉर्म में, ठीक है, लाइट वेव्स की फॉर्म में डाटा ट्रांसफर होता है। फैक्स मशीन इज यूज्ड, तो ये बेटा याद रखें, थर्ड में क्या है? ये फॉल्स है। लाइट वेव्स की फॉर्म में, जो कि एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, इनकी फॉर्म में डाटा ट्रांसफर होगा। अच्छा, फैक्स मशीन इज यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव डॉक्यूमेंट्स एंड पिक्चर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये ठीक है। पांचवा, At least four hovering satellites are required to send transmissions all over the world. हाँ जी, ठीक है, ये गलत है। Cross, three होते हैं, four नहीं होते, three होते हैं। इसके बाद next बेटे जो है, ये long questions आपके दिए गए हैं, four से लेकर ten तक, ये आपको सारे notes में मिल जाएंगे। Discuss ये पहले हो चुके हैं, और notes में आपको सारे मिल जाएंगे, आपने इसको साथ साथ याद करते जाना है।